हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिक्स क्लास। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक पोटेंशियोमीटर। वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। ओके, सो इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल एक्यूरेटली और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स और टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। व्हाट इज़ ईएमएफ, व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द ऑल द टर्म्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। सो लेट अस डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि एक पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। वैसे इसके प्रैक्टिकल्स हैं सिलेबस में, प्रैक्टिकल टॉपिक है वैसे ये, एक थ्योरेटिकल भी आता है और प्रैक्टिकल भी हैं इसके, कि एक आप ईएमएफ एक्सेल कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं सेंड करूँगा इसके साथ में, ताकि एक प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स भी आपकी नज़र में आ जाए कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटो कॉन्स्टेंटेंट वायर ए बी फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। सबसे पहले तो एक वुडन बोर्ड होता है, एक जैसे ऐसा वुडन बोर्ड बना होता है और उसी के ऊपर ये सारा सर्किट होता है। ये क्या बन गया, एक वुडन बोर्ड। और इसके ऊपर एक वायर होती है जो एक एलॉय की बनी होती है। वो एलॉय कॉन्स्टेंटन भी हो सकता है, मैग्नेनिन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एलॉय वो हो सकता है। दैट इज़ दी वायर। वो वायर एक भी हो सकती है और चार भी हो सकती है। ओके, एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, चार तक कितनी भी वायर्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक जनरली सर्किट जो बता रहा हूँ आपको, वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से। ये एक वायर, यहाँ तक ये वायर जा रही है, तो ये 1 मीटर की एक वायर होती है। ये वायर कितने की है, 1 मीटर। ओके, तो 1 मीटर की एक यहाँ से फिर वापस इसके बैक साइड से राउंड होके फिर ये इधर आती है, ये होगी 2 मीटर। फिर बैक साइड से इधर आएगी, ये होगी 3 मीटर अभी। ओके, मैं 4 मीटर बनाने के लिए थोड़ा वुडन बोर्ड बड़ा बना दूंगा। यहाँ पे 3 मीटर, ऐसे ही ये जो मैं साइड में बना रहा हूँ, ये स्ट्रिप्स होती हैं कॉपर की, पतली पत्तियाँ होती हैं कॉपर की, जो क्योंकि कॉपर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या कनेक्टिंग कनेक्शंस बनाता है उसके। और ये वायर ये इधर आ जाती है, तो यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट होता है। तो ये चार बने होते हैं। मैं वुडन बोर्ड को एक बार क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसा ये सब कुछ वुडन बोर्ड के ऊपर बना हुआ होता है। ये ध्यान रखना, चार वायर होती हैं, ए से बी तक हम इसको नेम दे रहे हैं। तो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो ए से बी तक 1 सेंटीमीटर, वो सॉरी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की एक वायर है। तो 4 वायर्स हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं। तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन एलॉय की ये वायर्स होती हैं। क्यों कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और ईजिली मेल्ट नहीं होती। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से ही इनको यूज़ किया जाता है। ये साइड में जो आपको दिख रही हैं, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। कॉपर की स्ट्रिप के साथ में स्क्रू के ज़रिए इनको बांधा गया होता है। इसके लिए मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो आपको भेजूंगा साथ के साथ, इसी लेक्चर के साथ में आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलेगी ग्रुप में, तो वो भी उसको भी देखना है ध्यान में। पहले लेक्चर देख लेना और फिर उस प्रैक्टिकल वीडियो को देख लेना, तो ऑपरेटर्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा माइंड में भी कैसा होता है। ये 4 पार्ट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ए स्टेडी करंट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द वायर ए बी। अब इसमें से करंट पास करेंगे, उसके लिए हम एक लगाएंगे बैटरी। स्टेडी करंट पास करना है, कॉन्स्टेंट करंट पास करना है, तो रियोस्टेट की जरूरत पड़ेगी कांस्टेंट उसको करंट को करने के लिए। तो जो ए एंड है, ए एंड हमेशा हायर पोटेंशियल पे आपने रखना है वायर के जरिए इधर,
एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया आपने, बड़ा जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव इधर और नेगेटिव ऊपर, एक हायर ए हमेशा हायर पोटेंशियल पे रखना है। इसके बाद आपने इसमें लगा देना एक एम मीटर, एम मीटर करंट बताएगा कि कितना करंट उसमें चल रहा है वायर में, सर्किट में। और इसके बाद आपने लगा लेना है एक रियोस्टेट, रियोस्टेट रेजिस्टेंस चेंज करने के काम में आता है, मतलब करंट को कांस्टेंट करने के काम में आता है। और ये इसका एरो हो गया, यहाँ पे एक की होती है, की को ऑन ऑफ कर सकते हो आप। ओके, दिस इज़ की के, दिस इज रियोस्टेट, RH लिखूँगा, दिस इज़ एम मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, दिस इज़ बैटरी फॉर क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सो दिस इज़ आउटर सर्किट फॉर पासिंग दिस स्टेडी करंट, एक कॉन्स्टेंट करंट आपने इसमें से पास करना होता है। जब हम इसकी को ऑन करेंगे तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा ए हायर पोटेंशियल पे रहेगा और बी लोअर मतलब नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगा, क्योंकि अगर बैटरी के दो टर्मिनल की बात करें तो पॉजिटिव एंड का टर्म पोटेंशियल जो होता है वो हायर होता है और नेगेटिव एंड का जो होता है वो लोअर होता है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके साथ में अब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर भी है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट, कि सर्किट में करंट है या नहीं, सिर्फ इतना मेजर करने के लिए तो एमीटर होता है, डिटेक्ट करना भी करंट है या नहीं है। स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर देगा, बहुत कम करंट हो जो एमीटर शो नहीं कर पा रहा तो गैल्वेनोमीटर शो कर देगा भी उसमें कितना करंट, मतलब करंट है या नहीं है, ये तो नहीं मेजर करता भी कितना है, सिर्फ करंट की डिफ्लेक्शन बता देगा भी करंट है या नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट को बता देता है, हमें डिटेक्ट करता है। इसका जो दूसरा एंड है, गैल्वेनोमीटर के दो एंड होते हैं, तो यहाँ पे ये जो की बनी हुई है, एक जॉकी इसको कहते हैं, जे से हम इसको डिनोट करेंगे, जॉकी कहा जाता है, एक ऐसे मार्कर टाइप ही ऑपरेटर्स होता है जॉकी उसको बोलते हैं, और उसको वायर के साथ में हम कहीं भी टच कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल वीडियो मैं भेजूँगा उसमें आप देखना ज़रा, तो जॉकी क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स का रे डायग्राम है, सॉरी सर्किट डायग्राम यहाँ मैं बना चुका हूँ कि कंस्ट्रक्शन ये कैसे होती है एक पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल पे, कि ये पोटेंशियोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वी आर डिस्कसिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा। इसका जो प्रिंसिपल है उसकी मैं पहले आपको स्टेटमेंट बताता हूँ और फिर समझा दूंगा कि क्या होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, मतलब वायर आपने ले ली, मान लो वायर का इतना पोर्शन लिया या इतना यूज़ कर लिया, जो कि जहाँ टच करोगे उतना मतलब यूज़ होगा पोर्शन, इतना यूज़ कर लिया या इतना कर लिया या इतना यूज़ करके साथ में इतना और कर लिया एक्स्ट्रा, तो मान लो इतना यूज़ किया, तो ये जो दो एंड है जिसके ऊपर मैंने डॉट्स लगा दी, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, मतलब जितनी वायर आप यूज करो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू इट। कंडीशन है कि जो वायर है उसमें से कांस्टेंट करंट पास होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन कि वायर में से कांस्टेंट करंट पास होना चाहिए, तो आप वायर का कोई भी दो पोर्शन ले लो, मान लो दो पॉइंट ले लिए, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या कहता है भाई, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी है, तो क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मान लो इस पोर्शन की लेंथ एल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सिर्फ इतनी पोर्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द दैट पोर्शन। इतना पोर्शन लेते हो, अगर ये 1 में मान लो 1 मीटर की जो टोटली होती है 30 सेंटीमीटर ले लिया,
30 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर 40 के अकॉर्डिंग निकालना तो 40 के अकॉर्डिंग आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो दिस इज द बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे आया वी इज इक्वेशन टू एल। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं, तो देखिए इसका प्रिंसिपल हम कैसे प्रूव करते हैं। अब ये जो वायर आपने ली हुई, मान लो सिंगल वायर की बात करते हैं पहले, मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ओके, लेंथ हमने टोटली मान लो एल ही ले ली, और एरिया इसका ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट रहना चाहिए इसका। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इज दैट कॉन्स्टेंट करंट दैट इज पासिंग थ्रू द वायर। आई कॉन्स्टेंट करंट है जो इसमें से पास कर रहा है, वी इज इक्वल टू आई आर। बट एज वी नो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली होता है। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे वहाँ से, तो रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट लगती थी, आर इज इक्वल टू रो एल बाय। यही चीज़ अगर हम यहाँ रख दें, वी इज इक्वल टू आई रो एल बाय ए, वी इक्वल्स आई रो एल बाय ए। ओके, तो करंट कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टिविटी किसी वायर की कांस्टेंट होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट लेना है, वायर स्टडी मतलब एक यूनिफॉर्म थिकनेस की होनी चाहिए, एरिया कम ज़्यादा कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि एल अलग कर दें और आई रो बाय ए लिख लें, एल अलग कर लें और आई रो बाय में ए कर दें, तो क्या बनेगा, आई कॉन्स्टेंट, रेजिस्टिविटी भी कॉन्स्टेंट और इधर से एरिया भी कॉन्स्टेंट। अगर तीनों टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को हम रिमूव अगर कर दें, ये बन गया, ये कांस्टेंट की जगह के लिख दिया, के इज अ कांस्टेंट इन सारों की जगह, तो कांस्टेंट को रिमूव करेंगे क्या होता है, क्या बन गया, वी इज इक्वेशन 12। क्योंकि कांस्टेंट जब हम प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगता है, और जब हमने कांस्टेंट हटाना है तो क्या बन गया, दैट इज वी इज इक्वेशन 2 एल आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो यही क्या किया हमने, वायर में करंट आई चल रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, वी इज इक्वल टू आई आर। बट एज वी नो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, आई रो एल बाय ए, एल बाहर, आई कॉन्स्टेंट, रो कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट। ओके, तो आई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट सारा अगर हटा दो, उसका के लिख लिया हमने कॉन्स्टेंट, के यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वैल्यू को सारे को, वेयर के इज आई रो बाय ए। तो के जब हम प्रोपोर्शन में कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो इक्वल वाला प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बन गया। तो प्रूव हो गया हमारा जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रिंसिपल बन रहा था, तो वही हमने प्रूव भी कर दिया कि कैसे ये आएगा। ओके, सो दिस इज द सिंपली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब जो के का भी नाम दिया गया बाद में, अगर हम यहाँ से देखें के इज इक्वल टू क्या बन गया, वी बाय एल। सो दिस इज कॉल्ड के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, कि अगर एक सेंटीमीटर की यहाँ से लेंथ ले लेते हैं तो एक सेंटीमीटर की वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दैट इज़ के। तो के मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। एक सेंटीमीटर की वायर की अगर आप लेंथ ले लेते हो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में, उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दिस इज द बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर जब हमने करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो हमारे पास वोल्ट मीटर भी होता है, तो वोल्ट मीटर, वाई वी आर नॉट यूजिंग द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ डिफरेंसेज हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वाई वी चूज पोटेंशियोमीटर एंड नॉट वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई एम एफ ऑफ अ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेंशियोमीटर का जो आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये करंट नहीं लेता। सेल से अगर करंट नहीं लेगा तो क्या होगा, हमने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो जब करंट नहीं लेगा तो ईएमएफ एक्यूरेट आएगा। ईएमएफ की डेफिनेशन ये होती है कि जब सेल से आप करंट नहीं ले रहे तो उसके जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है। इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट लेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही करंट को रोकना होता है। अगर रेजिस्टेंस करंट नहीं आएगा तो इट मीन्स ईएमएफ एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर होता है उसका तो कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, तो कुछ करंट ले लेता है। वो करंट लेगा तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस काम करेगा, टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ईएमएफ कैलकुलेट नहीं होता। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है,
नल का मतलब अब आपने क्या करना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जहाँ डिफ्लेक्शन जीरो दे दे वहाँ पे आपने उसको स्टॉप कर देना होता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसके, प्रैक्टिकल भी नेक्स्ट लेक्चर्स कुछ आएंगे, प्रैक्टिकल्स के ही आएंगे वो, तो प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको पता चलेगा भाई नल का मतलब जीरो जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है तभी हम रीडिंग नोट करते हैं, और जो ऑर्डिनरी वोल्टमीटर होता है वो डिफ्लेक्शन मेथड अभी कितनी वो वोल्टेज दे रहा है रीडिंग देखनी पड़ती है। और पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट डिवाइस है, एक्यूरेट वैल्यू बताता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है, एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं बता पाता। और सेंसिटिविटी हाई है पोटेंशियोमीटर की, सेंसिटिविटी का मतलब है कि कम से कम वैल्यू अगर किसी वो सेल की हो तो उसको भी कैलकुलेट कर लेता है ये, मतलब जितनी चाहे मर्जी कम वैल्यू हो पोटेंशियल डिफरेंस की या वो उसकी ईएमएफ की, तो ये कैलकुलेट कर लेगा। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, एक पर्सन सेंसिटिव क्या है, सेंसिटिव पर्सन होने का मतलब यही होता है कि छोटी सी मजाक कर लो और वो फील कर जाए, तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव सॉरी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिव होने का मतलब यही है कि कम से कम रीडिंग को भी बिहेव करे, मतलब उसको रिस्पॉन्स करे, लेकिन जो ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर होता है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं लेकिन हम ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर को प्रेफर नहीं करते। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टूडेज लेक्चर, प्रिपेयर नोट्स एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड अब वीडियो विल बी सेंड टू यू फॉर द प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स विद दिस लेक्चर। ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे।